खबर बरेली से है, जहां योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आते ही बाबा का बुलडोजर जबरदस्त एक्शन में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। वैसे आपको बताते चले कि ये वही सपा विधायक शहजील इस्लाम है जिन्होंने कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दिया था, या फिर यूं कहें कि धमकी दे डाली थी। उन्होंने कहा था कि उनके मुंह से आवाज निकली तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं गोलियां निकलेंगी। लिहाजा सपा विधायक की चेतावनी के बाद योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन में दिखाई दे रहा है। दरअसल खबर यह मिली है कि बिना नक्शा पास किए यह पेट्रोल पंप बनवाया गया और इसके साथ ही एनओसी नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले उनको नोटिस भी भेजा गया था, उसका जवाब नहीं मिलने पर जिसके बाद योगी सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। लिहाजा इस एक्शन को देखने के बाद कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि यह बुलडोजर प्रशासन की कार्रवाई है या फिर शहजील इस्लाम के बयान पर बुलडोजर चला है, यह अभी भी सवाल बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सुबह से ही प्रशासन का बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा है, लिहाजा यह पेट्रोल पंप पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि बुलडोजर की रफ्तार धीमी हो जाएगी या फिर ऐसे ही बाबा का बुलडोजर यूपी की माफियाओं पर चलता दिखाई देगा।